हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम खेलने लगे कार सेलर सिमुलेटर। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो डाली थी, तो उसके अंदर मैंने एक गाड़ी खरीदी थी 10,000 के आसपास की, और मैंने इसके ऊपर मॉडिफिकेशन कर दी थी। अराउंड 2,500 की मॉडिफिकेशन कर दी थी मैंने, नाइट्रो वगैरह जो भी डालना था डाल दिया, नाइट्रो टर्बो। और अब मैं इसको बेच रहा हूँ 20,000 की। तो हमने अभी अपनी दुकान खोली है, दुकान नहीं है ये, एक तरह का शोरूम है। तो अभी देखते हैं कोई कस्टमर आता है, तो अगर कस्टमर आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी अभी, और 20,000 में ले लेगा तो वो भी बड़ी अच्छी बात होगी। और मेरा ये 29 तक पहुंच गया, एक बार 50 होएगा तो मुझे एक और पॉइंट मिल जाएगा। अभी रात हो गई है, तो अभी हम वापस चलते हैं ये बस स्टॉप पे, क्योंकि अभी हम वो गाड़ी ले नहीं सकते हैं, वो गाड़ी हमने सेल पर लगा रखी है। बस स्टॉप से कंटेनर में चलते हैं, यहाँ की ट्रैवल करने की कॉस्ट भी $10 हो रखी है। तो इधर पहुंच गया, अभी कंटेनर में जाके सो जाते हैं, देखते हैं कितना लॉस दिखा रहा है ये। 20,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, पर इसको पता नहीं, हमने 10,000 की तो गाड़ी ख़रीद ली है और बाकी मॉडिफिकेशन कर ली है, तो वो दिखाता नहीं है ये। तो आज कार ऑक्शन खुली हुई है मेरे ख्याल से, देखता हूँ। ऑक्शन खुली हुई है 3 बजे, तो पर हमें ऑक्शन जाने का फ़ायदा है नहीं, हमारे पास है नहीं इतने पैसे ऑक्शन के लिए, क्योंकि ऑक्शन पे आती हैं महंगी गाड़ियाँ। तो अभी हम फिर महंगी गाड़ियाँ ले नहीं सकते अभी। तो अभी हम एक तो अभी अपना ऑफिस साफ़ करते हैं। ये डाला मैंने एक बैग, ये डाला मैंने दूसरा बैग, ये ऑफिस हो गया थोड़ा साफ हमारा। एक बार बंद करके वापस क्लोज कर देते, ओपन करके वापस क्लोज कर दिया हमने, वापस खोल दिया। और हमारे कस्टमर भी आ चुके हैं अभी, तो देखते हैं कितने पैसे देंगे ये। 15,000 दे रही है ये, और ये कितने दे रही है, 14,000 दे रही है। और तो नहीं कोई आया ना, नहीं। तो इसको हम ना 16,000 पे भेज देते हैं, 16,000 ठीक रहेगा। 16,000 बारगेन, लेट्स सी 16,000 में लेकर जाती है। 16,000, चलो 16,000 में लेगी। अभी हमारे पास $19,000 हुए हैं अभी बस। तो अभी हम चलते हैं नेबरहुड में कोई अच्छी सी गाड़ी देखते हैं जो कि हमारे बजट में हो। ये हमें मिली है, कौन सी है ये, लेची कोडा की है, 34,000। नहीं, महंगी है बड़ी। ये भी मेरे ख्याल से सेम ही है, ये भी कोडा की है, ये सस्ती होनी चाहिए। ये कोडा की है, सेम ही है। ये 40,000 की, ये और महंगी है उससे। तो फिर हम अभी ये सामने जो गाड़ी खड़ी है ना, यही ले लेते हैं। यही गाड़ी लेते हैं, हम तो कोई अभी गाड़ी ले नहीं सकते हम अभी। इधर डॉज खड़ी है, डॉज नहीं ले सकते, यही गाड़ी ले लेते हैं, BMW Series 1। पिछली बारी भी हमने यही गाड़ी ली थी। बारगेन करते हैं, कितने है ये, 8,500 कर देते हैं हम इसको। लेगी इसको, हम 9,000 कर देते हैं, कर दिया 9,000। 9,000 भी नहीं ले रही है, 9,300 कर देते हैं इसको, कर दिया। ये तो ले लेनी चाहिए अभी इसको, चलो एक तो लिया इसने। अब हम चलते हैं रिपेयर करवाने के लिए। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है एक भी कि नहीं, पहले देखते हैं गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है।
ये गाड़ी देखते हैं, डैमेज है, पेंटेड नहीं है, डर्टी है, फ्यूल कम है, सब कुछ ही है। तो अभी हम लेके जाते हैं अच्छे से, अभी हम करने के लिए अगर कोई भी गाड़ी के अंदर सारी जगह ट्रैवल करने में ईजी हो जाता है। अभी हमने इसको पेंट करते हैं पूरा ब्लैक मेटालिक और स्मूथनेस दोनों सबसे ज़्यादा कर देते हैं। ब्लैक करना है वाइट करना है मेरे ख्याल से हम ब्लैक में कर जाते हैं अगर ब्लैक ठीक रहेगा। इसको कर देते हैं इसको भी कर देते हैं ब्लैक कैसे खर्च हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहा गाड़ी बंद करते हैं पीछे चलते हैं। ये कितना है 320 डॉलर, ये भी पैसे ले रहा है। एक बार एक गाड़ी रिपेयर हो जाती है फिर मिलते हैं। 2000 years later गाइस अगर आप ये चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और मैं एक गाड़ी लेके जाता हूँ पीछे, ये गाड़ी होगी रिपेयर। और अंदर जाकर इसका प्राइस तो मिनिमम हम 20,000 में तो बेच देंगे मिनिमम, बाकी देखते हैं कितना रखते हैं। ये गाड़ी मैंने खरीदी 9,000 की, इसका प्राइस तो हम 25,000 रख देते हैं, कोई आसपास आके देखेगा तो सही। 25,000 रख दिया, अब देखते हैं अगर कोई कस्टमर आता है तो। एक बार इसको बंद कर देते हैं, वापस खोलते हैं, अब देखते हैं। पाँच बज गए हैं, अभी तक कोई नहीं आया, देखते हैं कब तक आते हैं। एक बार ही कस्टमर आते हैं तो मिल, कस्टमर आ ही गए हैं, अभी दो दो कस्टमर आ गए हैं एक साथ, तो इन कस्टमर से देखते हैं कितने कितना पैसे देगी। ये देगी 18,000, तो इसको हम कर करा के 19,000 में तो ले लेंगे 19,000। ये देखते हैं ये कितने देगी पैसे, ये 17, तो फिर हम इससे ले लेते हैं 19,000 में तो दे दिया हमें। ये देखते हैं इससे हम दो बार ही ट्राई करेंगे, एक पहले 19,500 का करके नीचे कर दिया हमें। मैंने उससे बार्गेन ही नहीं किया, मैंने सीधा ही बेच दिया यार उसको। अभी मैं वापस नेबरहुड जाता हूँ, वापस कोई अच्छी सी गाड़ी ढूंढ के लेके आने पड़ने मुझे। तो नेबरहुड आ गए हैं, इधर देखते हैं कोई अच्छी सी गाड़ी हो।
ये डॉज डॉज नहीं चाहिए, डॉज नहीं, डॉज तो नहीं चाहिए हमें, ये ले सकते हैं हम। तीनों में से महंगी देखते हैं, मेरे ख्याल से 7 बजे अंधेरा हो जाता है तो उससे ध्यान से थोड़ा। 12,000 की है, बारगेन करके हम इसे ले लेते हैं 12,000 की ले लेते हैं, बारगेन करके 12,000 की दे दोगी आप? इसके अंदर भी इसने इतना टाइम लगाया है। अभी हमें एक स्किल पॉइंट मिल चुका है, तो उससे मैं ना ये स्पंज अनलॉक कर लेता हूँ। और ये देखो जैसे ये स्पंज है, इससे मैं गाड़ी साफ़ कर सकता हूँ। बहुत धीरे होएगी गाड़ी साफ, पर तब भी होएगी। और मेरे ख्याल से हमें जैसे एक एक्सपी भी मिलती है हमें इससे, अगर हम गाड़ी साफ़ करते हैं तो। देखो, और ये गाड़ी साफ़ करने से वो भी कस्टमर भी ज़्यादा पैसे देके जाते हैं। गाड़ी साफ हो गई है, थोड़ी गाड़ी साफ़ हुई है, इतनी भी नहीं हुई अभी। देखते हैं गाड़ी में क्या क्या ख़राबी है। इस गाड़ी में तो कुछ ख़राबी नहीं है, इसके तो हम जाते ही बेच सकते हैं। एक बारी मैं आपको ये पूरी गाड़ी साफ़ करके मिलता हूँ। तो हमने गाड़ी साफ़ कर दी है, और अभी देखते हैं गाड़ी साफ़ करके कितने मिले हमें पॉइंट्स। पूरी गाड़ी साफ़ करके हमें 20 पॉइंट्स मिले हैं। अगर थोड़े अगर ऐसी 5 गाड़ी साफ़ कर देते हैं ना हम, तो हमें पॉइंट्स मिले हैं। हर रात में गाड़ी भी गंदी होती जाती है, जैसे अभी मुझे ये गाड़ी वापस साफ़ करनी पड़नी है, आपको दिखाऊंगा। अभी मेरी गाड़ी 0% वो है, क्या कहते हैं, 0% डर्टी है। अभी देखते हैं अभी कितनी है, 28% वापस की है, वापस सारी डर्ट आ गई है। तो एक बार मैं वापस ये साफ़ करना होता है, मैंने ये सारी गाड़ी अभी साफ़ कर ली है। अभी चलते हैं वापस, मैंने कहा था ड्रिफ्ट किट लगी हुई है इसमें। और TCS लगाते हैं, सस्पेंशन रैन ही देते हैं नीचे, प्लेट तो कैलिफोर्निया की ठीक रहती है, कैलिफोर्निया की प्लेट, टायर भी ठीक है, सबसे ठीक रहती है। अब देखते हैं कैसी लग रही है गाड़ी। अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना।